So hello everyone, Cadet Garvit Birman from Talani Maritime Institute this side. And as you guys know that you guys are having IMU CET on 8th of June. 8 जून को आप सबका IMU CET है जो कि मैंडेटरी एग्जाम है अगर आपको मर्चेंट नेवी का करियर परस्यू करना है फ्रॉम एन ऑफिसर लाइन. सो दिस एग्जाम इज मैंडेटरी इन एवरी एस्पेक्ट. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इसका. आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा ऑब्वियसली वीडियो का, दैट हाउ मच रैंक इज कंसिडर्ड गुड एंड इन हाउ मच मार्क्स यू विल सिक्योर अ गुड रैंक इन IMU CET. सो ये इस टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का. अब बात करेंगे हम इसके इस वीडियो में आगे फर्दर में डिटेल में इस चीज़ पर. ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये नॉलेज मिल सके. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि कितने मार्क्स में कितनी रैंक मिलती है. सो लास्ट ईयर में इस ईयर में कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इस ईयर लास्ट ईयर के जब हम देखते हैं कंपैरेटिवली. तो लेकिन स्टिल लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आपको एक अप्रॉक्स आइडिया दे देता हूँ. लास्ट ईयर फॉर्म्स और 40,000 अप्रॉक्स, दिस ईयर द फॉर्म्स आर 60,000 अप्रॉक्स है फॉर्म्स और मे बी मोर देन डेट. मेरा एस्टिमेशन है अप्रॉक्स इतने फॉर्म्स है. ठीक है, तो बात करते हैं कितने मार्क्स में कितनी रैंक आएगी. अगर आपका 160 प्लस स्कोर जा रहा है तो आपकी गारंटेड अंडर 200 अंडर 100 रैंक आ जाएगी. अगर आपका 100 अंडर 100 लगा के चलते हैं, अगर आपका 160 प्लस स्कोर जा रहा है तो. अगर आपका स्कोर जा रहा है 150 या 140 प्लस, ठीक है 140 प्लस जा रहा है आपका स्कोर, तो आपकी रैंक आराम से अंडर 800 आराम से आ जाएगी. अंडर 600 और अंडर 800 प्यार से आ जाएगी. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगर आपका स्कोर जा रहा है अबव 130 जा रहा है तो. अबव 130 में आपकी अप्रॉक्स रैंक आएगी अंडर 2K. मेरे आइडिया से हाँ अंडर 2K आ जाएगी अगर आपका 130 प्लस जा रहा है तो. अगर आपका स्कोर जा रहा है 120 प्लस में, ये कंपटीशन हाई है इसीलिए इस साल का मैं इतना अप्रॉक्स बता पा रहा हूँ. अगर आपका जा रहा है 120 प्लस तो फिर आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो अप्रॉक्स जाएगी, मतलब आपकी रैंक जो जाएगी वो अप्रॉक्स जाएगी 3500 के अप्रॉक्स. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर आपका जा रहा है 110 115 प्लस जा रहा है स्कोर, तो आप अंडर 5K में आ जाओगे. 110 प्लस में अंडर 5K में आपके आने के चांसेस हैं. ठीक है, ये अप्रॉक्स आइडिया मैं बता रहा हूँ, इट्स नॉट एट ऑल श्योर. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर आपका अप्रॉक्स जा रहा है 100 प्लस जा रहा है तो. 100 प्लस में आपकी अंडर 6.5K 7K के अंडर आपकी रैंक आ जाएगी. यहाँ पे क्लोज इसीलिए होता जा रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाई इन दिस कैटेगरी. 100 से लेके 120 के बीच में ही आते हैं मोस्ट ऑफ द जो टॉप रैंक जो 8K 7K के अंडर वाले रैंकर्स होते हैं. तो इसलिए ये रैंक्स में इतना ज़्यादा लाइक भीड़ भाड़ दिख रही है आपको. आगे बात करते हैं आगे अगर आपकी अंडर आ रही है लाइक अबव 80 मार्क्स आ रहे हैं तो. अबव 80 मार्क्स में आपकी रैंक आ जाएगी अंडर 11K और 12K के आसपास आपकी आ जाएगी. और अगर आपके 75 मार्क्स लेके चलते हैं प्लस आ रहे हैं तो आपका आपका कट ऑफ में नाम दिख जाएगा. वो लास्ट में देखे या लास्ट से ऊपर देखे वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन कट ऑफ में मार्क्स दिख जाएगा 75 से 80 मार्क्स के प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो तो. ठीक है, काफ़ी ईजी सा स्कोर है. अब बताता हूँ मैं आपको एक सेफ स्कोर क्या होता है IMU CET में. आपको कोई भी कंपनी मना नहीं करेगी, स्पेशली एंग्लो ईस्टर्न वी शिप्स और ये मेन रैंक पे जाती है. वी शिप्स के लिए तो आपको चाहिए अंडर 5000. और अगर आप BSc वगैरह कुछ भी परस्यू करना चाहते हो TS चाणक्य से या फिर BTech करनी है IMU कोलकाता से, तो आपको अंडर 1.5K या 2K के अंडर तो लानी पड़ेगी इन एवरी चांस. इससे ज़्यादा पे आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, और अगर आपको कंपनीज में जा रहे हो DNS करना है तो अंडर 4K इज़ अ गुड रैंक. अंडर 4K पे आपको कोई कंपनी ये नहीं बोलेगी दैट योर रैंक इज़ सो मच हाई वी कैन टेक यू, ऐसा कोई कंपनी नहीं बोलेगी. सो अंडर के इज सेफ फॉर एवरी कंपनी. तो इसे मैं अपने कैटेगरी में रखूँगा, एक सेफ रैंक की कैटेगरी में रखूँगा अंडर 4000 अगर आपकी रैंक आ रही हो तो. ठीक है, बाकी ट्राई करना जितनी अच्छी रैंक आएगी. किसी लोग पूछते हैं कि सर ये मार्क्स तो आपने ऐसे बता दिया लेकिन अब कितनी रैंक ले आए आप, अगर हम इतने मार्क्स अटेंड इतने मार्क्स ला रहे हैं तो इतनी रैंक कैसे आ जाएगी. आप जितने ला सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा उतने पे फोकस कीजिए. आप जितने ज़्यादा लाओगे उतना ज़्यादा अच्छी बात है आप लोगों के लिए. आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, आपको ज़्यादा चांसेस होंगे. अगर आपको नहीं मिला तो आप BSc कर पाओगे अच्छे कॉलेज से जिसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है. टोलानी इजीली ले लेगा BSc में या किसी भी कोर्स में. सो ये चीज़ें थी जो आपको माइंड में रखनी है. एंड आई विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द IMU CET एंड ट्राई टू सिक्योर अ गुड रैंक. थैंक यू. रिगार्ड स्पेसिफिक मरीन अकेडमी.